लगेगा इसमें? कोई मुझे बता सकता है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? एनीवन? एम आई ऑडिबल? यस मैम. न्यूक्लिक एसिड बेसिकली वो मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फैट पढ़ते हैं, लिपिड्स, या फिर हमने विटामिन पढ़े, मिनरल्स पढ़े. ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है. वैसे ही एक एलिमेंट हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का. न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच बेसिकली कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ये दो तरीके के होते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया. अब सब में ये दो नाम तो सुने ही होंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? कैन यू टेल मी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो डीएनए बेसिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स को बोले तो इट इज बेसिकली द मटेरियल व्हिच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. देन अब आता है कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट वी कॉल इट डीऑक्सी एंड व्हाई कॉल इट जस्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो इसका स्ट्रक्चर हम ये क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव ड्रॉन? क्लास को बता सकते हैं क्या स्ट्रक्चर है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, नाउ इट्स ऑडिबल. तो ये बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है? या समवन हैज आंसर्ड इट? फ्रक्टोज. So this is basically a pentose ring. अब जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं. That is a sugar backbone. You will have base pair, not pair, base, and you will have a phosphate group. So whenever we talk about DNA, we have these three elements in the structure of a DNA. So this is a structure of DNA. इस structure में आपका ये first carbon हो गया, ये आपका second हो गया, ये third हो गया, ये fourth हो गया, और यहाँ से एक और attached होता है carbon, that will be your fifth carbon. तो जो आपका ये जो शुगर होता है, द बैकबोन ऑफ बेसिकली डीएनए, इट इज बेसिकली नोन एज अ डीऑक्सी राइबो शुगर. सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग. नाउ व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी, आई टेल यू. एयर ये वाला स्ट्रक्चर सबको पता होगा. ये पता है ना कि ऊपर H प्रेजेंट होता है और एक्सिस के नीचे OH प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता होगा ना? यस मैम. तो डीऑक्सीराइबोज में या डीएनए में क्या फर्क हो जाता है? जो आपका सेकेंड कार्बन, मतलब जो आपका सेकेंड कार्बन है, यहाँ का आपका ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन gets lost और इसकी जगह जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है that is this type of structure. तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बच जाता है, ऑक्सीजन बच जाता है, that is why it is a deoxyribose. Whereas in case of RNA the OH group is present over here.
द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ओवर हियर फॉर्मिंग द OH. तो इसीलिए इट इज द डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस इज द नेम ऑफ द शुगर व्हिच इज अ 5 कार्बन शुगर C5. ये हो गया आपका. अब मैं आपको इसमें फिर से दिखाती हूँ. आपका जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे आपका बेस अटैच होता है. बेस इज दैट मटेरियल जिसको आप ये जानते होंगे ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. डू यू नो अबाउट दिस बेसिस? यस मैम. दीज आर योर 4 बेसिस और बेस जो होता है हमेशा C1 कार्बन पे आके अटैच होगा. जो आपका सेकेंड कार्बन है उस पे आपका वो H और OH वाला बंधा पड़ता है तो इन द केस ऑफ DNA यहाँ पे H ही रहेगा. जो आपका 3' कार्बन है ये रहा, 4 यहाँ पे रहा, 5th कार्बन जो है आपका यहाँ अटैच होता है. इस कार्बन से आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है. तो फॉस्फेट ग्रुप इज ऑलवेज अटैच टू द C5 कार्बन. So you should remember कि C1 कार्बन पे आपका बेस अटैच होता है और C5 कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. और आपका जो C2 कार्बन है इन द केस ऑफ DNA ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट. सो दीज 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. अभी जो स्ट्रक्चर आपका हो गया जिसमें कि आपका शुगर हो गया, आपके बेस हो गए और आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया. This structure is basically known as a nucleotide. Is it clear? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड और ऑप्शन दे देंगे, शुगर H दे देंगे, प्लस प्लस लगा के दे देंगे, A+, B+, C करके दे देंगे, एंड यू हैव टू टेल अलग अलग कॉम्बिनेशन दे देंगे. तो वहां पे द करेक्ट वुड बी शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप. इज इट क्लियर टू यू? Understood, ma'am. So this is the structure of DNA. This whole thing was DNA structure. So मैंने आपको यहाँ पे briefly समझा दिया इसमें क्या क्या होता है. Now coming to RNA. RNA का भी structure same होगा. बस फर्क ये है कि इसके C2 कार्बन पे यू हैव दी OH ग्रुप प्रेजेंट. दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दैट इज व्हाट विल फॉर्म दी OH और दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. बाकी यहाँ पे भी जो आपका कार्बन है C5 पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट होगा और आपके यहाँ बेसिस होंगे. फर्क इतना है कि क्लास एम ऑडिबल? हेलो Yes. Is my voice breaking? What's the problem today? Are you able to listen what I am, you know, speaking? Yes, ma'am. So the only difference in the case of RNA is that C2 position पे आपका oxygen present होगा, that is why it will be a hydroxyl group present over there. In the case of bases, जैसे हमारा DNA के case में हमारे पास था adenine, thymine, guanine and cytosine, तो यहाँ पे thymine की जगह आपका दूसरा base पे आ जाता है, that is uracil. Is it clear? तो अल्टीमेटली जो आपके यहाँ बेसिस होंगे वो होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेस पेयर का डिफरेंस आएगा प्लस आपके C2 पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दैट इज व्हाई इट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड नॉट डीऑक्सी. सो दिस इज अबाउट RNA एंड दैट वाज अबाउट DNA. इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब हम वापस DNA पे आते हैं.
जैसे मैंने अभी ये न्यूक्लियोटाइड बनाया, यहाँ पे बेस लगा दिया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ऐसे ही बहुत सारे चेन्स बनेंगे एनलेस, तो दैट चेन विल फॉर्म योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. I'll show you how it looks. I'll show you at the end of the class. सारे रिमूव कर देते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. इसी की ऐसी ही न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होते जाएंगे, they'll form a long chain and that will be known as a polynucleotide structure. Now one thing you need to remember is ये जो आपका बेस अटैच होता है to the C1 carbon, that is through the glycosidic linkage. और जो आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है to the C5 carbon, that is your phosphoester bond. Is it clear? Class, am I audible? Yes, ma'am. तो आपका base जो attach होता है carbon से, that is your glycosidic linkage. और जो आपका phosphate group link होता है C5 carbon से, that is basically your phosphoester bond. But since एक का फॉस्फेट, सपोज दैट मान लो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, इसका फॉस्फेट इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि आप सबने सुना ही होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर. एंड यहाँ पे अगर मैं एक बॉन्ड की बात करूँ, दैट वुड बी अ फॉस्फोएस्टर. तो दिस इज दी, अगर आप कोई पूछे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फेट ग्रुप और इसके बीच में जो आपकी रिंग है शुगर रिंग, इसके बीच में क्या आपका बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, दैट विल बी योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्योंकि यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जब रिएक्शन होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो वहाँ पे आप एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज व्हाट इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो इन द होल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वी हैव दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये आ गया सबको समझ में? Yes, ma'am. Now, अगर हम पूरे लेंथ की बात करें डीएनए की, तो उसकी लेंथ डिफाइन होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. एक्स होंगे कि वाई नंबर है, जेड नंबर है, कितने नंबर है न्यूक्लियोटाइड की, उससे पता चलेगा कि क्या है लेंथ हमारे डीएनए की. अब सपोज दैट लेते एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में द डीएनए लेंथ की अगर हम बात करें, तो इट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कि ह्यूमंस कितने सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज 3.3 to 10^9 बेस पेयर्स. नाउ बेस पेयर्स हम कैसे ले रहे हैं, मान लो इसका एक बेस हो गया और इसका बेस हो गया, उसको हम बेस पेयर लेते हैं. इसलिए लेते हैं क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे बेस पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मान लो यहाँ बेस पेयर 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, इसीलिए हम बेस पेयर्स के फॉर्म में लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे. तो जैसे ह्यूमंस में हो गया, तो ह्यूमंस में 3.3 to 10^9, तो आइए रिमेम्बर दिस. इकोलाई में 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स. इन द केस ऑफ से बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज बेसिकली अ वायरस, इसमें कितने होंगे 5836 न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. तो यू नीड टू रिमेंबर कुछ के, जैसे ह्यूमन का आपको पता होना चाहिए कितने बेस पेयर्स है, क्योंकि कहीं भी पूछ सकते हैं. इकोलाई में पता होना चाहिए 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स. एक ही एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज का, विच इज अ वायरस. So this is the basic structure of DNA. क्या तक clear है सबको? Yes ma'am. अब हम move करते हैं कि इनका हमने molecular structure देख लिया कि क्या होता है. अगर हम देखें कि जैसे एक layman को बताते हैं कि DNA का structure कुछ ऐसा है,
This is known as double helix model, proposed by Watson and Crick. We'll be studying about it. इसमें क्या होता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये हो गया, एंड बोथ आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन. मतलब कि राइट साइड वाला डीएनए पहले आएगा आपका, उसके बाद उसमें लेफ्ट की फोल्डिंग होती है. इसमें भी आप देखोगे, इसमें फिर आपके छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. इस पूरे जो आपका पूरा चेन है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहाँ पे इनके बीच में फिर आपके दीज आर योर बेसिस. नाउ द बेसिस दे प्रोजेक्ट बेसिकली टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द हेलिक्स स्ट्रक्चर. आपके जो भी बेसिस होंगे दे आर प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म, बिकॉज जो आपका एडेनिन है वो थायमिन से पेयर करेगा, और जो आपका ग्वानिन है वो साइटोसिन से पेयर करेगा. तो सपोज दैट यहाँ मान लो यहाँ टी है, ए है, तो यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ गया. तो इस तरीके से आपके बेस पेयर्स पूरे डीएनए में प्रेजेंट है, एंड दे फॉर्म द होल स्ट्रक्चर स्टैक ओवर वन ओवर अनदर. ऐसे पूरा मान लो स्टैकिंग हो गई, और हर में दो दो आपके बेस पेयर हो गए, और इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है डीएनए का इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. अब जो आपका ये जो आप ये टर्न देख रहे हो फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पूरा टर्न है आपका, इसमें आपके बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे. तो ये टर्न यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से खत्म होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज पिच ऑफ द हेलिक्स. पिच ऑफ द हेलिक्स बेसिकली द टर्न विच हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर्स. तो अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो 10 बेस प्रेजेंट होते हैं इन वन पिच. मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे. 10 बेस पेयर्स का मतलब हो गया कि एडेनिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसे 10 पेयर्स प्रेजेंट होंगे इन टोटल इन वन पिच ऑफ द हेलिक्स. इज इट क्लियर? यस मैम. सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज पिच ऑफ द हेलिक्स. तो पिच ऑफ द हेलिक्स इज बेसिकली उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, दैट इज 3.4 नैनोमीटर इन द केस ऑफ ह्यूमन डीएनए टू टॉक अबाउट. सो यहां से लेके यहां तक की पूरी जो डिस्टेंस होगी दैट इज 3.4 नैनोमीटर. इसमें आपके टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम पूछे कि 3.4 नैनोमीटर टोटल लेंथ है और टोटल 10 बेस पेयर्स है, तो कितने हर बेस पेयर में कितना डिस्टेंस आएगा, तो आप सिंपली 3.4 बाय 10 कर दो, सो दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स. इज इट क्लियर? किसी भी दो बेस पेयर, सपोज दैट एक एटी हो गया और एक जीसी हो गया, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर. और अगर मैं पिच की बात करूँ, पिच विल बी 3.4 नैनोमीटर. कि यहाँ से जो कॉइल एक शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेम यहाँ से जो शुरू होगा यहाँ पे खत्म होगा, इसका भी पिच उतना ही होगा. एंड पिच इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए. किसी भी डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका पिच, प्लस ये हेलिक्स का कितना डायमीटर होगा, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना होगा, वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है हर टाइप ऑफ डीएनए का. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत तरीके के डीएनए भी होते हैं. तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? नाउ अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये बेस पेयर्स हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है. हमने पढ़ लिया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ लिया हमने कि बेस पेयर और कार्बन के बीच में जो शुगर है उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन रिंग एंड द फॉस्फेट ग्रुप. नाउ विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज नाइट्रोजनस बेसिस. Yeah, I forgot to tell you कि ये जो भी आपके बेसिस होते हैं दे आर नाइट्रोजनस इन नेचर, दैट इज व्हाई दे आर नेस नाइट्रोजन बेसिस. इनके स्ट्रक्चर में आपको मैं दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, आई हैव द पिक्चर्स ऑफ इट. तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो. तो अगर आपका ए और टी के बीच में बॉन्ड बनेगा, ए और टी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट विल बी अ डबल बॉन्ड.
पर आपका जी और सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज गुआनिन एंड साइटोसिन दैट विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड. बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो आपके इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन द बेस पेयर्स इट इज बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा हेलिक्स का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसको स्टेबिलिटी मिलती है. That is why DNA is, you know, more stable as compared to RNA. So this is the double helix structure of DNA. Is it clear to everyone? Now there is a rule known as Chargaff's rule. Chargaff's rule क्या कहता है कि हमारी एक स्ट्रैंड DNA की ये है दूसरी स्ट्रैंड ये है. इसमें जो भी हमारे एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. मतलब कि जो भी इनका मोलर रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. इससे हमें क्या इंप्लीकेशन मिलता है कि ए प्लस डी दैट इज एडेनिन प्लस थाइमिन विल बी इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन. तो इससे अगर सपोज दैट आपको कोई बोल दे कि इन अ सर्टेन डीएनए हेलिक्स देयर इज द एडेनिन इज प्रेजेंट इन X amount and guanine is present in Y amount. Determine the amount of, you know, either thymine or cytosine. कुछ भी ऐसा पूछ रही है. तो वहाँ पे आपको पता है होना चाहिए. You can simply, you know, put the value in this equation and you will get the answer. तो ऐसे कई सारे numericals भी आते हैं exam में जहाँ पे आपको इस formula के basis पे question पूछ लिया जाता है कि कितना मतलब अगर मान लो एडेनिन एक्स अमाउंट है ग्वानिन जेड अमाउंट है तो कितना आपका ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा. तो काइंडली रिमेम्बर दिस चार्गाफ्स रूल एंड दिस रेशियो थिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपका जो भी ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको मैं ऐसे देख लेती हूँ. सपोज दैट दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनमें से एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है and the other is non-coding strand. We'll be studying about this coding and non-coding part in the, you know, molecular biology part. अभी आप basic समझो. तो एक जो DNA की structure होता है, एक जो आपका strand होता है DNA का, this is the basically strand. तो that उसका अगर direction देखें, it would be 5' to 3' और दूसरे का complementary होगा, that is 3' to 5'. Now ऐसा क्यों है? वो भी समझ लेते हैं. जैसे मैंने भी स्ट्रक्चर बनाया था सपोज दैट इसमें बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं. तो यहाँ पे जो आपका 5' एंड है यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है एट दी 5', एंड यू नो दैट फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट दी 5' कार्बन. सो दिस डीएनए स्ट्रक्चर द सिंगल स्ट्रक्चर द सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इट हैज फ्री phosphate group at the C5 carbon. That is why this is known as 5', and on the other hand at the end side, on the other end it has free OH group at the 3' carbon. So that is why we write here 3'. क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप फ्री OH ग्रुप 3' कार्बन पे प्रेजेंट है एंड फ्री आपका फॉस्फेट ग्रुप इट इज प्रेजेंट इन 5'. इसीलिए हम हमेशा 5' to 3' लिखते हैं. हम 5' to 2' कभी नहीं लिखते. ऑलवेज राइट 5' to 3'. तो यहाँ पे एक स्टैंड का अगर मान लो जो बट मैम दैट शुड दैट या शुड बी 2', नो बिकॉज़ इट इज लाइक दैट OH बॉन्ड is on the second carbon, that's why. Yeah, I know. But in the case of DNA, I told you one thing, that here no OH group is present. Only hydrogen is present. Because it is a deoxyribose, right? That means the hydroxyl group at 3' position, it is free. That is why we take it as a standard that 5' pe, aapka 5' carbon pe phosphate group free hai, and 3' carbon pe aapka hydroxyl group free hai. That is why we always take it as 5' to 3' and not 5' to 2'. Is it clear? Okay, ma'am.
Now this is one thing. Another thing, कि 5 prime to 3 prime और इसकी complementary, why यहाँ पे भी हमारा 5 prime to 3 prime क्यों नहीं है? तो इसका reason ये है कि अगर आपका ये भी 5 prime to 3 prime हो जाएगा, तो suppose that यहाँ पे आपका सब कुछ भी ऐसा base sequence बन रहा है. और यहाँ पे भी आपका इसके complementary कुछ भी बन रहा है. A के कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, G के कॉम्प्लीमेंट्री C होता है. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री मान लो P बन गया. तो जब हम इसका ये मान लो टेम्पलेट स्टैंड हो गया, जब हम इससे DNA का सिंथेसिस करेंगे, सपोज दैट ये पेरेंट DNA हो गया और दोनों स्टैंड को हमने पेरेंट DNA स्टैंड से बोल दिया. इससे जब हम DNA का सिंथेसिस करेंगे न्यू जनरेशन, तो वहां पे जो दोनों स्टैंड हमारी मिलेंगी, अगर मान लो ये दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों का सीक्वेंस भी सेम आ जाएगा. उसकी वजह से जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है वो खत्म हो जाएगी, एंड जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाई बोथ दी स्ट्रैंड्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर. दैट इज देयर बोथ ऑफ देम दे आर नॉट ऑफ सेम 5 प्राइम 3 प्राइम. ऐसा नहीं होगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, दूसरा उसके ऑपोजिट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. इज इट क्लियर?